नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। स्वागत है आप सभी लोगों का वेदमी यूट्यूब चैनल के साथ। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिड्यूस द नेगेटिव मार्किंग ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रेपरेशन। अब कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि वो एग्जाम्स में पढ़ते हैं, सॉल्व भी करते हैं, लेकिन इवन उनका टोटल मार्क्स क्वालिफिकेशन मार्क्स से ज्यादा भी आ जाता है, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो उनको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो नेट मार्क होता है वो कम हो जाता है क्वालिफिकेशन मार्क्स से और वो रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आखिर नेगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसी के ऊपर क्विक टिप्स लेके आया हूं मैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, हाउ टू यूज द रिकॉलिंग, तो वो जाके जो है फटाफट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला जरूरी यह है कि बी कॉन्फिडेंट। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे अपने नॉलेज के ऊपर, अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हमने पढ़ाई करी, हमने ये किया, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने जो किया वो कैसा है कैसा नहीं है। तो अक्सर ऐसी चीजें क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस जो है कम होगा तो सही को गलत, गलत को सही भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत कह सके। सो कॉन्फिडेंट अपने ऊपर होना, अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर होना, अपने नॉलेज के ऊपर होना बहुत जरूरी है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए और नेगेटिव मार्किंग को जो है थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करें तो अवॉइड इनकरेक्ट आंसर। कई सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं जो कि इनकरेक्ट आंसर्स को बहुत फ्रिक्वेंटली ऑप्ट करते हैं, और ये अक्सर ऐसा होता है जब आपके पास जो है वो इल्यूजन हो, या दूसरे शब्दों में बोले तो आपके पास जो है वो एक पार्शियल नॉलेज हो। जब आप कहीं पे कुछ इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ होते हो और आपको दिमाग में लगता जरूर है कि आपने पूरा पढ़ा है, लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने की वर्ड्स को नहीं पढ़ा है। सो जब आप की वर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे, आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ेंगे, तो अक्सर ऐसे इल्यूजन्स में, जैसे फॉर एग्जांपल जीपीसीआर पाथवे का मोटा मोटी ओवरव्यू सभी को पता है कि कैसे एक्टिवेट, एक रिसेप्टर होगा एक्टिवेट होगा, ऐसे एडिनल साइक्लिस पे जो एक्टिवेशन करेगा, फिर सीएमपी बनेगा और फिर जाके जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। ये ओवरव्यू सभी को पता है जिसने भी कभी पढ़ा होगा, लेकिन उसमें पूरी की इंफॉर्मेशन की कैसे जी अल्फा का एक्टिवेशन हो रहा है, कैसे जो है एडिनालेट साइक्लिस का एक्टिवेशन हो रहा है, कितने सीएमपी मॉलिक्यूल कितने पीके को एक्टिवेट कर रहे हैं, पीके एक्चुअली में कहां जाके बाइंड करता है, उसके पास कौन सा डोमेन है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा है, क्या कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल है तो वो कहां प्रेजेंट है। ये जो की इंफॉर्मेशन होती है कि कहां है, क्या स्ट्रक्चर, क्या फंक्शन, ये सब की इंफॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने की इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे तो फिर आप जो है इस इल्यूजन, जिसको कि लगता है कि आपको सब आता है, एक्चुअली में आपको सिर्फ ओवरव्यू आता है, जिसकी वजह से इनकरेक्ट आंसर आप ऑप्ट करते हैं, उसे बच जाएंगे। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है नेगेटिव मार्किंग का, जिसको इल्यूजन बेस्ड नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। अगर आप इल्यूजन में से बचना चाहते हैं तो जितना पढ़िए क्रिस्प पढ़िए, ताकि आप इल्यूजन बेस्ड नेगेटिव मार्किंग से बच सके। एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करता है, जिसको हम बोलते हैं दैट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट नॉलेज का पता ना होना। जैसे इल्यूजन वाला ही ये लिंक्ड होता है, लेकिन यहां पे कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि दे आर नॉट क्लियर विद कि मुझे किस टॉपिक में कितना पता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने जीपीसीआर पढ़ लिया तो उसे लगता है सब कुछ जीपीसीआर में मुझे आता है, या कोई भी टॉपिक पढ़ लेने से सब कुछ मुझे उस टॉपिक में आता है, अक्सर ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपने कभी पढ़ी नहीं होती, इवन टॉपिक जरूर पढ़ा होता है वो, लेकिन उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी होती। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आप ऑप्ट करने जाएं और उसके स्टेटमेंट्स को देखें, तो ये देखें कि वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सच में वो इंफॉर्मेशन मुझे आते हैं, मैंने कभी पढ़े भी हैं, या सिर्फ मैं जो है इनकम्प्लीट नॉलेज से उसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये जो तरीका है, या ये क्लियर होना इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट नॉलेज का, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को बस इसलिए ऑप्ट कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन उस टॉपिक में वो इंफॉर्मेशन पढ़े हैं, नॉलेज हमारे पास है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, वो है लैक ऑफ रिकॉलिंग का। और इसके रिकॉलिंग के बारे में डिटेल वीडियो अगर जानना है तो मैंने इस वीडियो में जो है रिकॉलिंग के बारे में डिस्कस किया है, ये वीडियो जाके आप रिवीजन वर्सेस रिकॉलिंग का देख सकते हैं। और रिकॉलिंग एक इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है जो आपके नेगेटिव मार्किंग को बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है। क्यों? क्योंकि रिकॉलिंग ही आपको क्लियर कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चीजों को पढ़ तो जरूर लेते हैं, दिमाग में डाल तो जरूर लेते हैं, लेकिन जब आती है क्वेश्चन करने की तो इन्फॉर्मेशन मिक्सअप होने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डीएनए ए टाइप भी होता है, बी टाइप भी होता है, जेड टाइप भी होता है। इसमें जो पकरिंग का कॉन्फर्मेशन सी टू इंडो सी थ्री इंडो होते हैं, अब किसमें सी टू इंडो है, किसमें सी थ्री है, किसमें दोनों है, अगर ये क्लियर कट ना पता हो कि ए में सी थ्री इंडो होता है, बी में सी टू इंडो होता है और जेड में दोनों हो सकते हैं, अगर ये नहीं पता होगा तो
इवन दो पढ़ा उसने है, इंफॉर्मेशन में खिचड़ी में समझ में आ रहा होगा कि यार पढ़ा था ये चीज, लेकिन क्वेश्चन जब आ जाएगा मिक्स करके तो वहां पे इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा। C2 को जगह C3, C3 की जगह C2 करके मार के चले जाओगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। सो रिकॉलिंग इसी कंफ्यूजन को काफी अवॉइड करते हैं, तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करना है तो रिकॉलिंग करना शुरू कर दीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जब भी आप क्वेश्चन ऑफ करते हैं एग्जामिनेशन में तो अपने आंसर को जो है रिव्यू करिए, व्हाट एवर यू आर गिविंग द आंसर्स, लास्ट में 5 मिनट बचाइए उस आंसर को रिव्यू करने के लिए कि जो आपने किया क्या वो सही किया, एक बार दोबारा जो है रीचेक करिए, रिव्यू करिए, क्योंकि कई बार हमें पहली बार में लगता है कि नहीं ऐसे ही होगा, लेकिन जब हम उसको सही से पढ़ते हैं तो कभी कोई कीवर्ड जो मिस हो जाता है, नॉट नहीं पढ़ा आपने कभी, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया या इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया, वो चीज रिव्यू के टाइम पे पता चल जाती है। तो वो जो 1-2-3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही गलत हो जाते हैं जहां पे आपने ये मिस्टेक करी होती है कि रीडिंग मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, तो वो रिव्यू के टाइम पे सही होता है। तो रिव्यू और आंसर करने से आप जो है अपने नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस, कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ भी कहीं से भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं और जो नहीं आने वाले उसमें जबरदस्ती गलत करके आते हैं। इसीलिए जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे या जब भी क्वेश्चन करें, मॉक टेस्ट दे, तो आप अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करके रखें, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने तैयारी किस चीज की करी है। अगर आप क्रिकेट की तैयारी करें तो फुटबॉल के मैच में मत उतरिए, क्रिकेट के मैच में ही उतरिए। इसका मतलब है कि जिन कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है उन्हीं क्वेश्चंस के या उन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को ही ऑप्ट करिए, दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को जबरदस्ती छेड़ने जाएंगे तो करंट तो लगेगा। इसलिए जो है अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करिए, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग से काफी हद तक आप बच सकते हैं। एक आता है जिसको मैंने अभी रिव्यू वाले टॉपिक पे बताया था कि रीड योर क्वेश्चंस केयरफुली। कई स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा मिस्टेक होता है कि खासकर ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो लोग बहुत प्रो अपने आप को समझते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो बहुत क्विक इंग्लिश में पढ़ते हैं और कई सारे कीवर्ड्स मिस कर जाते हैं। इवन कई सारे वो भी जो बहुत कमजोर होते हैं इंग्लिश में, उनके साथ भी ये गलतियां होती हैं। ऑल्दो अब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि अपने क्वेश्चंस को ब्रेक करके पढ़ना सीखें, लॉन्ग पैराग्राफ को एक का एक ना पढ़ें, तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें, जिससे उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो वो सभी इन्फॉर्मेशन आप सही से क्लियरली रीड कर पाए। जितना केयरफुली आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उतनी ही रीडिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे, और रीडिंग मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से रीड करिए। एंड द लास्ट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो है आप अवॉइड रैंडम गेसिंग। कई सारे स्टूडेंट जो है रैंडम गेस करते हैं, बजरंग बली के नाम पर ये लगा दिया या ऐसे यार, यार हाँ ऐसा गेस करते हैं, चलो इसको कतई मत करो, चाहे क्वालिफिकेशन के लेवल पे हो या ना हो। भगवान अगर 1-2 क्वेश्चन के लिए भले ही राजी हो जाए, सारे तुक्के के लिए नहीं होते, इसको सिंपल शब्द में तुक्काफिकेशन बोलते हैं। तो तुक्काफिकेशन तब ऑप्ट करो जब आप अगर 120 नंबर के क्वेश्चन किए ही नहीं हो, लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंटली उन क्वेश्चंस को ऑप्ट कर लिया हो और उनसे आपने कैलकुलेट करके देखा कि इतने पार्ट बी में, इतने पार्ट सी में, इतने पार्ट ए में आ चुके हैं, कुल मिला जुला के 120 नंबर बन रहे हैं, तो क्यों मुझे गेसिंग करना, क्यों तुक्का मारना है। तो वो कभी मत मारिए जब तक कि आपकी एकदम उस पर बात ना हो कि मुझे करना ही है, ठीक है। तो मैंने जो पॉइंट्स बताए कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर मैं उनको समअप करूं तो मैंने आपको बताया कि पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है जो कुछ भी आप ऑप्ट कर रहे हैं, दूसरा कि आप जो है इनकरेक्ट आंसर्स को चूज करने को अवॉइड करें, एंड तीसरा कि करेक्ट और इनकरेक्ट या कंप्लीट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस पता हो कि मुझे कितना आता और कितना ना आता हो। फोर्थ, इल्यूजन के ट्रैप में नहीं फंसना है, अगर आ रहा है तो करिए, भ्रम में मत फंसिए कि मैंने पढ़ा हुआ है इसको। फिफ्थ, अपने आंसर्स को जब भी आप ऑप्ट करें तो उसको रिव्यू करें प्रॉपरली कि आपने जो किया है सही किया है। सिक्स्थ, आप अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करिए कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको आपने प्रायोरिटाइज किया कि ये क्वेश्चंस जो है वो कैसे चलेंगे। सेवन्थ, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, अपने क्वेश्चंस को जो है केयरफुली रीड करिए कि कैसे जो है क्वेश्चंस उसमें कौन से कीवर्ड्स दिए गए हैं। एंड द लास्ट वन, की गेस करना या तुक्काफिकेशन को एकदम खत्म कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके, और किसी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।